Study with me, a learning experience. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्राइंगल और हमने करना है इंस्क्राइब एक सर्कल. इसका थंब रूल के कैसे करना है को समझने के लिए ज़रूरी है पिछले क्वेश्चन का थंब रूल हम लोग रिपीट कर लें. पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्कमस्क्राइब किया था सर्कल को जो कि वर्टिसेस को टच करके जा रहा था. इस वजह से हम लोगों ने साइड्स को बाइसेक्ट किया था. इस केस में आप देखें तो साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है लिहाजा वर्टिसेस पे मौजूद एंगल्स को बाइसेक्ट किया जाएगा. तो चले आए शुरू करते हैं. गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी. सबसे पहले हम लोग एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे. उसका प्रोसीजर ये है कि कंपास को पॉइंट बी पे रखें और यूं एक आर्क ड्रॉ करें. अब इसके दोनों पॉइंट से बारी बारी एक एक और आर्क ड्रॉ करें. ये पहली आर्क ड्रॉ कर ली और अब ये दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली. ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं तो वहाँ से पॉइंट बी को ज्वाइन कर लें. तो ये हमारा बी ई रे एंगल बी का बाइसेक्टर बन गया. बिल्कुल इसी तरह से आपने एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर लेना है और ये सी एफ रे बन गई जो कि एंगल सी का बाइसेक्टर है. ये दोनों रेज जहाँ पे मिल रही हैं वो है पॉइंट ओ और ये पॉइंट ओ हमारे इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा. लेकिन अभी हमें एक और काम करना है कि हमें एक रेडियस भी मालूम करना है सर्कल का. तो आप पॉइंट ओ से किसी भी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसका प्रोसीजर है कि एक आर्क यूं करके लगाएं फिर इस आर्क के दोनों सिरों से एक एक और आर्क आगे की तरफ को लगाएं. पहली आर्क लग गई और ये दूसरी आर्क लग गई और जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उनको पॉइंट ओ से मिला लें. अब ये ओपी जो है ये हमारा रेडियस है इंस्क्राइब सर्कल का. पॉइंट ओ के ऊपर कंपास को ओपन करके हम लोग ओपी जितनी लेंथ का रेडियस ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारा इंस्क्राइब सर्कल है.